नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। हमारे साथ चर्चा पर है अशोक अज्ञानी जी। स्वागत है आपका अशोक जी हमारे चैनल में। नमस्कार सर। नमस्कार अशोक जी। लगातार आप ये बात बोलते हुए आ रहे हैं, तमाम चैनलों पर आप एक ही बात बोल रहे हैं कि योगी मोदी का सपना चूर कर दिया है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने। क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों लगता है कि बहन कुमारी मायावती ने योगी मोदी का सपना चूर कर दिया है? देखिए, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी एनजी के नेतृत्व में जिस तरीके से अब अपने रफ्तार पकड़ी है, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पाल साहब ने गोरखपुर में अभी 3 दिन पहले जाकर के जिस तरीके से उन्होंने वहां पर इतना मेला, पूरी मेला लग गया पूरे गोरखपुर में उनके साथ बहुजन समाज पार्टी का, और प्रदेश अध्यक्ष पाल जी ने जिस तरीके से किया, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एक्शन में आए, बिल्कुल उससे ये साफ जाहिर हो गया जो मैं लगातार बोल रहा था कि योगी और मोदी का पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। और मैं जो बार बार कह रहा था, कल भी मैंने जंतर मंतर पे कहा और पहले भी मैं लगातार बोल रहा था, मेरे तमाम मेरे स्टेटमेंट हैं लगातार, ये जो 2024 की जो लड़ाई है मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद होनी है, मोदी बनाम माया होनी है। तो ये जो मेरा एनालिसिस था ये लगातार पहले से था, क्योंकि वोट हमारा है और हमारे वोट को एकजुट करने की जो प्रयास थे लगातार बहन जी कर रही थी उनको, के आरएसएस वाले करते थे जिस तरीके से, और वो प्रचार हमारे लोगों में खास तौर पे हमारे जो बुद्धिजीवियों के नाम पर लोग या नेताओं के नाम पर जो कुछ पढ़ लिख गए या जो कुछ अधिकारी बन गए, वो लोग हमारे बहन जी के खिलाफ और ज्यादा प्रचार उस कुप्रचार में फंस के आरएसएस के बीजेपी के कि बहन जी भी टीम है बीजेपी की या बीजेपी के लिए काम कर रही है या महलों से नहीं निकलती या बहुत सारे ऐसे प्रचार या पैसे लेकर के काम करती हैं या मिलती नहीं है, हमारे लोग जिस तरीके से प्रचार में फंसे, और दूसरी तरफ जिस तरीके से हिंदूवाद का हमला पिछले लगातार 2011 के बाद तो इस देश के अंदर किया इन्होंने, वो हिंदूवाद के मुकाबले इस पे बहन जी लड़ती रही, अपने कार्यकर्ताओं को अपने लोगों को एकजुट करने में लगी रही, और उसी का परिणाम ये रहा कि आज भी बहुजन समाज पार्टी पूरे सर उठाए पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस बहन जी बचाने में कामयाब रही, पूरे देश में वोट लेती रही, पूरे देश में रिप्रेजेंटेशन रहा, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की टीमें गठित रही, राज्य टीमें गठित रही। तो इसलिए तमाम चीजें ये हैं कि बहन जी ने जिस तरीके से माननीय काशीराम जी के सपने को थामा है, उसलिए बहन जी अब चुनौती बन गई हैं योगी और मोदी के सामने। और ये पिछले जब निकाय चुनाव से जो रफ्तार देखने को मिली है, बहन जी ने जिस तरीके से अब मोर्चे को संभाला और खुद मॉनिटर कर रही हैं, और दिल्ली में बैठ करके अब जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को मॉनिटर किया, और आपने बड़ी खुशी की बात है आपने देखा होगा कि बहन जी ने उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे राज्यों में वो तमाम लीडरशिप बदल दी है जो लीडरशिप काम नहीं करती, उन्होंने खुली चुनौती दे दी है कि जो भी आदमी काम करे नहीं करेगा, जिला अध्यक्ष हो, राज्य प्रदेश अध्यक्ष हो, कोऑर्डिनेटर हो, कोई भी हो, जो काम नहीं कर रहा है, जो किसी भी तरीके से पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, वो तमाम उनको हटा करके नए नए युवाओं को, नए नए लोगों को, पुराने कार्यकर्ताओं को जो काम कर रहे थे पूरी ईमानदारी से निष्ठा के साथ पार्टी के लिए, अब उनके कंधों पर जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं, लगातार तरीके से उनके उनके कंधों पर जिम्मेदारियों को सौंप रही हैं बहन जी, नए नए कार्यकर्ताओं को, नए नए चेहरों को ला रही हैं, और लगातार स्वयं अपने आप वो मॉनिटर कर रही हैं। और आकाश आनंद जी को, युवा नेता को, जिस तरीके से अभी 4-5 राज्यों के जो चुनाव होने उनके उनका कोऑर्डिनेटर बना करके उनके कंधों पर जिम्मेदारी दे करके काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से आकाश आनंद जी मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका तेलंगाना हो, चाहे राजस्थान हो, लगातार वो जिस तरीके से वहाँ रैलियां कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, छोटी छोटी कैडर मीटिंग कर रहे हैं और अपने विचार रख रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, एक एक माहौल बन गया, एक जन आंदोलन खड़ा हो गया है, और उसी का ये परिणाम है कि बंगाल से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर हरियाणा, तेलंगाना और साउथ के आंध्र प्रदेश तक के लोग, यहाँ तक कि मेरे जैसे आदमी के साथ भी कांटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ के काम करना है, हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना है, इस तरीके से मैसेज आ रहे हैं पूरे देश से। एक यूनिक बात है और एक बहुत अच्छी बात है, बेहतर बात है, जो माननीय साहब का जो सपना था बहुजन मूवमेंट का, बहुजन सत्ता का जो सपना था, और बहुजन राजनीति को जो ताकत देने का
जो सपना था वो बहन जी पूरा करने में कामयाब हो रही हैं, वो दिखाई दे रही हैं। और योगी मोदी इस समय पूरी तरीके से इनको झटका लग गया। यही नहीं, पूरा जो विपक्षी पार्टियां वो उनके भी दिमाग घूम गए कि बहन कुमारी मायावती के अलावा इनका जो ये तथाकथित ये सो कॉल्ड जो इंडिया बना है ये किसी काम का नहीं है। एक शायद आरजेडी के हमारे जो सीनियर नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी का भी कोई बयान आया बहन जी को लेकर के। और लगातार जिस तरीके से माहौल बन रहा है देश के अंदर, जो जो मैं मेरे जो आंकलन था जो एनालिसिस था वो लगातार वो पूरा सपना पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। बहन कुमारी मायावती हर हालत में इस देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बनेंगी, क्योंकि ये मजबूरी हो गई है विपक्ष की कि उनको बनाना उनकी जिम्मेदारी हो गया, मजबूरी हो गई है कि उनको बनाना ही पड़ेगा। और सरकार तो योगी मोदी तो पूरी तरह इनके पैर उखड़ गए। जिस तरीके से अभी दो दिन पहले वहां पर जयपुर से जाने वाली मुंबई जाने वाली ट्रेन में एक जो सीआई वहां रेलवे पुलिस के जवान ने जिस तरीके से अपने सीनियर उसको मारा, जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने गोलियां मार के उनको मारा और बोला योगी मोदी को वोट दोगे तो देश में रह सकते हैं, जिस तरीके से नूह में हिंसा हुई कल रात को, जिस तरीके से वहां मणिपुर में लड़ाई वो चल रही है, हिंसा चल रही है, और जिस तरीके से ये जो टीवी चैनल है गोदी मीडिया ये धर्म धार्मिक उन्माद मचा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे कुछ बहुजनों के नाम पर जो पहले बहन जी के साथ थे, अब जो एक एक ये उपद्रव फैलाने के चक्कर में मंदिरों के चक्कर में कि भैया ये बुद्ध मंदिर थे या हिंदू मंदिर जो है बुद्ध मंदिर थे, ये बौखला गए, इनके पैर उखड़ गए कि ये अब इस तरीके से ये करना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक अलगाव पैदा हो जाए और बहन जी को ये विलेन बनाने के चक्कर में कि बहन जी के फंस जाए कि वो स्टेटमेंट दे तो मुसलमान नाराज हो जाए, वो स्टेटमेंट दे तो हिंदू नाराज हो जाए। लेकिन बहन जी भी मजीव खिलाड़ी है राजनीति की, उन्होंने भी कहा कि भैया जब तुम बीजेपी में थे मलाई चाट रहे थे मंत्री बन के तब तुम्हें ये याद नहीं आया ये बुद्ध मंदिर थे, तब चेकिंग की याद नहीं आई। तो बहन जी भी बिल्कुल काउंटर कर रही है, मजबूती से खड़ी है। लेकिन अब ये जो हमारा ये जो मोदी योगी जी हैं अब इनके पैर उखड़ गए और ये बौखला गए और विपक्ष पूरी तरीके से समझ गया कि बहन कुमारी मायावती के अलावा उनकी भी दाल गलने वाली नहीं है। अगर योगी मोदी को परास्त करना है तो बहन कुमारी मायावती का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आपके सबसे पहले।